हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपने किसी को अपना खून बेचकर बिलियनर बनते हुए देखा है? उस गरीबी और लाचारी से लड़ते हुए देखा है जिसका सामना करना तो दूर, लोग उसकी सोच से भी खौफ खा जाते हैं। अगर नहीं तो इन्हें देखो, ये है हॉवर्ड स्कल्ट्स। ये वही इंसान है जिन्होंने स्टारबक्स को 100 बिलियन डॉलर्स यानी 7 लाख करोड़ का बिजनेस बनाया। लेकिन जरा सोचो, जो इंसान खुद का खून बेचकर जी रहा था, उसने आखिर कैसे स्टारबक्स को दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बनाया? और पता है, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, आज जिस स्टारबक्स के पर डे 40 लाख कॉफी कप्स बिकते हैं ना, उसके ओनर्स ने स्टारबक्स को कॉफी ड्रिंक सेल करने के लिए नहीं शुरू किया था। लेकिन अगर स्टारबक्स कॉफी नहीं बेचना चाहता था तो फिर वो क्या बेचना चाहता था? मैं आपको बताता हूँ। स्टारबक्स के 32,464 स्टोर्स दुनिया के 80 कंट्रीज में फैले हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, स्टारबक्स में आज की तारीख में हजारों नहीं, पूरे 3,49,000 एम्प्लॉइज है। पर आखिर सियाटल के मार्केट में शुरू हुआ स्टारबक्स इस मुकाम पर पहुंचा कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? मेहनत, खून और पसीने की। आखिर हॉवर्ड स्कल्स ने स्टारबक्स के लिए कौन से जुगाड़ लगाए? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड हाउ स्टारबक्स बिकेम अ 100 बिलियन डॉलर बिजनेस। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूयर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप एप्पल कंपनी को तो जानते हो राइट? उस कंपनी के मैं आपको शेयर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल फ्री में, और एक दो को नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। बस बने रहो इस वीडियो में अंत तक। अब कहानी इंसानों की हो या दुनिया के 100 बिलियन डॉलर्स के स्टारबक्स की, एकदम शुरुआत से होना चाहिए राइट? तो स्टारबक्स की शुरुआत सन 1971 में यूएस के सियाटल के पाइक प्लेस मार्केट में जेरी बॉल्डविन, जेव सियागल और गॉर्डन बॉकर नाम के 3 दोस्तों ने की, अपने कॉफी के प्यार को बरकरार रखने के लिए। और एक दशक के अंदर इनका बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने 5 नए स्टारबक्स खोल दिए थे। लेकिन उस जमाने में स्टारबक्स आज की तरह कॉफी ड्रिंक्स नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ कॉफी बीन्स, टी और स्पाइसेस को बैग्स और कैंस में भरकर बेचता था। और शायद आज भी इनका यही बिजनेस होता अगर हॉवर्ड स्कल्स स्टारबक्स के डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं बने होते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हॉवर्ड स्कल्स की, जिन्होंने स्टारबक्स को वो रूप रंग दिया जिसमें आज आप और मैं उसे देखते हैं। तो हॉवर्ड का जन्म 19 जुलाई 1953 में हुआ था। इनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, जहां इनकी माँ एक रिसेप्शनिस्ट और इनके पिता एक डिलीवरी ड्राइवर थे। अब एक डिलीवरी ड्राइवर होने की वजह से हॉवर्ड के पिता ने अपनी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, जिसके चलते हॉवर्ड की जिंदगी गरीबी में कटी। लेकिन हॉवर्ड के पिता की मजबूरी आज के लोगों के लिए एक्चुअली में आलस बन चुका है, जहां हम पूरा दिन अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करते हैं और इन्हीं कंपनीज के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, पर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सोचो, हमारी लाइफ में मौजूद इन्हीं इंटरनेशनल कंपनीज के बड़े प्रॉफिट में से हमें कोई हिस्सा मिलता है क्या? कैसा रहेगा अगर हमें भी मिलना शुरू हो जाए? लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए आईएनडी मनी ऐप, जो आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देगा। वो भी स्टॉक इन्वेस्टिंग के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को इजी बनाने के बावजूद आपसे 0 अकाउंट फीस, ओपनिंग फीस, मेंटेनेंस फीस और ब्रोकरेज चार्ज किए। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन अभी इसका बेस्ट फीचर तो आपको बताना बाकी है, क्योंकि आईएनडी मनी में इन बड़ी कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर्स यानी पूरे शेयर का कुछ हिस्सा आप खरीद सकते हो, जो ऑप्शन आपको इंडिया के स्टॉक्स में भी नहीं दिया जाता है। यानी कितनी भी महंगी कंपनी हो, आप उसका कुछ हिस्सा खरीद सकते हो और उसके प्रॉफिट में अपना भी हिस्सा मार सकते हो। और नए साल के इस मौके पर आईएनडी मनी और गेटसरफ्लाई मिलकर आपके लिए फ्री गिफ्ट यानी कि फ्री एप्पल स्टॉक्स लेकर आए हैं। जी हाँ, और इन्हें पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो के नीचे लिंक का इस्तेमाल करना है और इस ऐप को डाउनलोड करो, या फिर इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और मेरा स्पेशल कोड GSF Apple का इस्तेमाल करो। तो अगर आपको भी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप भी मेरी तरह आईएनडी मनी के साथ जुड़ सकते हो ऐप को डाउनलोड करके। और मैं आपको ये बताता हूँ कि हॉवर्ड के पिता की नौकरी जाने के बाद उनकी जिंदगी और उनके परिवार की हालत दिन ब दिन ऐसी खराब होती गई। लेकिन इसके बावजूद हंसी खुशी इनकी जिंदगी गुजर ही रही थी कि इनके पिता के पैर में एक एक्सीडेंट के दौरान गहरी चोट आ गई, जिसके चलते इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद तो जिंदगी और इनके परिवार की हालत दिन ब दिन ऐसी खराब होती गई कि जहां 12 साल की उम्र में बच्चे खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं करते, हॉवर्ड ने न्यूज़पेपर्स बेचना और लोकल कैफे में काम करना शुरू कर दिया। काम के साथ पढ़ाई कर पाना मुश्किल था और इसीलिए वो पढ़ाई में सबसे आगे तो नहीं थे, लेकिन फुटबॉल के खेल के चलते उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका मिला। लेकिन वो ये जानते थे कि फुटबॉल उनकी मंजिल नहीं है, तभी तो स्कॉलरशिप को छोड़कर उन्होंने कम्युनिकेशंस में मेजर्स डिग्री हासिल की, जिसके चलते उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अनगिनत पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़े। पर हॉवर्ड ने अपना खून बेचकर भी अपनी पढ़ाई के पैसे चुकाए।
और डिग्री पाने के बाद हॉवर्ड ने अपने करियर को आगे बढ़ाने और सिक्योर कराने के लिए कई सारे जॉब्स की और 26 साल की उम्र में वो हैमर प्लास्ट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन वो खुश नहीं थे, शायद इसीलिए क्योंकि उनकी किस्मत को उन्हें कहीं और ले जाना था और किस्मत उन्हें सन 1981 में स्टारबक्स ले गई, जहां जाते ही उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ और इसके बाद एक साल तक स्टारबक्स के ओनर्स को बग और बेग करके आखिरकार उन्होंने सन 1982 में स्टारबक्स में अपनी जगह बना ली। लेकिन ये तो हुई इनके स्टारबक्स में एंट्री की बात। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर स्टारबक्स कॉफी की एंट्री दुनिया में कब और कैसे हुई। तो भैया, स्टारबक्स के लिए काम करते करते सन 1983 में एक बार हॉवर्ड को काम के सिलसिले में इटली जाना पड़ा और यही वो जगह थी जहां उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत के लिए नहीं, कॉफी को एक एक्सप्रेशन की तरह जिंदगी के मजे लेते हुए पी रहे थे और वो बिल्कुल हैरान रह गए। कॉफी के साथ इंसानों का ऐसा रोमांस यानी प्यार उन्होंने पहली बार देखा था और इस रोमांस से वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने स्टारबक्स के ओनर्स के आगे स्टारबक्स कॉफी स्टार्ट करने का आइडिया रख दिया। लेकिन ओनर इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि जो चीज बिगड़ी ही नहीं है उसे बनाकर बेहतर करने की क्या ही जरूरत है, जैसा चल रहा है चलने दो। पर हॉवर्ड भी अपनी बात पर अड़े रहे और एक साल बाद स्टारबक्स ने अपनी पहली कॉफी बेची। हालांकि ये बिजनेस सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वहां के ओनर्स ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इसी के चलते हॉवर्ड ने सन 1985 में स्टारबक्स को डिसकंटिन्यू यानी कि छोड़ दिया। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं था क्योंकि इस बिजनेस प्लान को लेकर जिन 242 इन्वेस्टर्स के पास वो गए थे, स्टारबक्स के साथ रिश्ता तोड़कर हॉवर्ड खुश नहीं थे, ना ही वो स्टारबक्स को भूले थे। लेकिन अपने कॉफी रोमांस के एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाने की खातिर उन्होंने इल जियोर्नेल यानी अपना खुद का कैफे खोला। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं था क्योंकि इस बिजनेस प्लान को लेकर जिन 242 इन्वेस्टर्स के पास वो गए थे, उनमें से 90% ने इन्हें नो के अलावा और कुछ नहीं दिया था। पर हॉवर्ड हारने वाले नहीं थे, उन्होंने डबल जोश के साथ मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और 1986 में इनका बिजनेस सेटल हो गया और वो जैसे तैसे करके अपना बिजनेस चला रहे थे कि तभी स्टारबक्स उनके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार स्टारबक्स मुसीबत में था, ओनर स्टारबक्स को बेच रहे थे और हालांकि हॉवर्ड को पैसे जुटाने में महीनों लगे, पर सन 1987 में उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर्स को अपने स्टारबक्स में दिखते बेशुमार दौलत और शोहरत का सपना दिखाकर इन्वेस्टर्स से 28 करोड़ जुटाए और स्टारबक्स को अपने नाम पर करवा लिया। इसके बाद उन्होंने इल जियोर्नेल और स्टारबक्स दोनों को एक कर दिया और इस स्टारबक्स को नंबर वन बनाने के लिए उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, यानी फटाफट नए नए स्टोर्स खोलना शुरू किए और 1992 में जब स्टारबक्स पब्लिक कंपनी बनी तो 165 स्टारबक्स यूएस में मौजूद थे। ऐसे ही सन 1996 में यह आंकड़ा 100 पर गया और 3 साल में इंटरनेशनली स्टारबक्स का 2000th स्टोर खोला गया। स्टारबक्स के अपने सपने को इस मुकाम पर देखकर हॉवर्ड बहुत खुश हुए और फिर सन 2000 में उन्होंने सीईओ की पोजीशन जिम डोनाल्ड के हाथों में सौंप दी और तब तक 3500 हो चुके स्टारबक्स स्टोर्स की जिम्मेदारी भी जिम के ही कंधों पर आ गई और 2000 से 2007 तक ये नंबर 3501 से 15000 हो गया। मतलब स्टारबक्स हर साल 1500 नए स्टारबक्स शुरू कर रहे थे और सेल 14000 करोड़ से 69000 करोड़ पहुंच चुका था। लेकिन जैसे आप जानते हो, सब अच्छा अच्छा हो ऐसा तो नहीं हो सकता और इसीलिए तो 2007 में स्टारबक्स की कहानी में किसी बॉलीवुड की कहानी के जैसे सडन ट्विस्ट आ गया। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने स्टारबक्स की उड़ान रोक दी। स्टारबक्स ने 50% स्टॉक प्राइस गिरा दिया और इसके बाद स्टारबक्स को उसके इस अंत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था हॉवर्ड स्कल्स को। अब जाखो राखे साइया मार सके ना कोई वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, बस हॉवर्ड भी स्टारबक्स के सैया ही थे। तभी तो अपने बच्चे की तरह उंगली पर गिन पाने जितने स्टोर से शुरू करके हजारों की गिनती में स्टारबक्स को पहुंचाने वाले हॉवर्ड से स्टारबक्स की ये हालत देखी नहीं गई और वो स्टारबक्स को बचाने 8 जनवरी 2008 में स्टारबक्स के पास लौट आए और सिर्फ लौटे ही नहीं, इनके आने मात्र की खबर से ही स्टारबक्स के स्टॉक सीधा 9% से स्काईरॉकेट हो गए। इसके बाद स्टारबक्स को बचाने के लिए हॉवर्ड ने 2008 में 600 प्लस स्टोर्स और 2009 में 300 स्टोर्स का शटर डाउन कर दिया। पर सिर्फ स्टोर ही नहीं, 6700 बैरिस्टर्स यानी कॉफी बनाने वालों को भी घर बिठा दिया।
फरवरी 26, 2008 को सारे स्टारबक्स को बंद रखा गया और 3 घंटे तक हॉवर्ड ने बैरिस्टर्स को हाउ टू मेक देयर सिग्नेचर कॉफी का पाठ पढ़ाया। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इसके वजह से स्टारबक्स का 6 मिलियन यानी 44 करोड़ का लॉस हुआ था, पर हॉवर्ड को इस नुकसान की परवाह नहीं थी। लेकिन 2008 में सिर्फ ये कॉफी की पाठशाला ही नहीं चली थी, इसके साथ ही उन्होंने नए ऑटोमेटिक मशीन हटाकर पुराने ला मर्ज़ोको मशीन्स लगवाए ताकि कॉफी का वो पुराना रोमांस स्टारबक्स में लौट आए। पर इन ओल्ड क्लासिक मशीनों के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए स्टारबक्स ने अपना फर्स्ट चीफ टेक्निकल ऑफिसर हायर किया और स्टारबक्स का लॉयल्टी कार्ड भी लॉन्च किया। इस नए डिजिटल फोकस ने स्टारबक्स को स्टारबक्स ऐप को शुरू करने का रास्ता दिया और आज यह ऐप स्टारबक्स के टोटल में से 30% सेल से ज्यादा जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब $100 बिलियन का $30 बिलियन तो स्टारबक्स बैठे बैठे ऐप से कमाता है। और इस तरह हॉवर्ड की वजह से स्टारबक्स को दूसरी जिंदगी मिल गई आफ्टर लीविंग द CEO पोजिशन ओपन फॉर जिम डोनाल्ड। अब अगर इनके स्टॉक प्राइसेस की बात करूं तो पिछले 9 सालों में इनका स्टॉक 2020 तक 1600% बढ़ गया है। 2016 में हॉवर्ड ने फिर से एक बार केविन जॉनसन के हाथों में भागदौड़ सौंपकर छुट्टी ले ली, पर अगर फिर कभी स्टारबक्स को जरूरत होगी तो ये फिर से उसे बचाने लौट आएंगे। मतलब हॉवर्ड वो इंसान थे जो स्टारबक्स में आए, स्टारबक्स में काम किए और स्टारबक्स को खरीद कर आज उसे $100 बिलियन का बिजनेस भी बना दिया। और यही नहीं, ये तो 2030 तक स्टारबक्स के 32,000 प्लस स्टोर्स को 55,000 करना चाहते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि स्टारबक्स अपने एम्प्लॉइज को फ्री हेल्थ केयर, स्टॉक ऑप्शंस, रिटायरमेंट प्लान, एडॉप्शन असिस्टेंस एंड पेड कॉलेज ट्यूशन प्रोवाइड करता है। हालांकि इनके पिता इनकी इस कामयाबी को देखने के लिए आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने बेटे को दुनिया के लिए वो सब कुछ करते देख जो उन्हें नहीं मिला था वो प्राउड तो बहुत होंगे। आपको क्या लगता है वालो, स्टारबक्स की असली अचीवमेंट क्या है? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। इसके साथ ही अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पे देखते रहने मिलेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। और याद है ना, एप्पल के फ्री स्टॉक का गिफ्ट आप मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से पा सकते हो। साथ ही INDMoney मनी से आप सिर्फ Amazon, Netflix जैसे कंपनी में पैसे डालने के साथ ही इन इंटरनेशनल कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर पार्टनर बनकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वेट कैसा? As always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।